नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपकमिंग बोनस शेयर है, वैसे कंपनियां जो आने वाले समय में बोनस शेयर दे सकती है, वैसे कंपनियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन सी वैसी कंपनी है जो आने वाले समय में, जो अगले एक महीने में, 10 दिन में 20 दिन में आपको बोनस शेयर दे सकती है। वीडियो के लास्ट में हम आपको टिप्स भी देंगे, आपको किन कंपनियों में बोनस के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए, किन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी बताऊंगा। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ या नहीं, या पहले से मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं, इन सारे बातों को डिस्कस करेंगे हम वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी कंपनियाँ आने वाले समय में आपको बोनस शेयर दे सकती है और किस रेशियो में देगी, ये भी हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली जो कंपनी है वो है एडशॉप ई रिटेल लिमिटेड। एडशॉप ई रिटेल लिमिटेड ये आपको बोनस शेयर देने जा रही है, और ये जो कंपनी है आपको बोनस शेयर भर भर के दे रही है, मतलब 4 शेयर है आपके पास तो 3 शेयर तो बहुत अच्छे है। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको 750 शेयर बोनस के रूप में मिलेंगे, मतलब पूरी तरह से मालामाल होने वाले हैं आप। अगर आपके पास इस मतलब शेयर का पहले से आपको पास स्टॉक है, मतलब आपका इस कंपनी के पास कंपनी का आपके पास पहले से शेयर है, तो आप मालामाल होने वाले हैं अब। तो एकदम लगे रहिए और इन्जॉय कीजिए अपने बोनस शेयर के लाभ को। और यहाँ पर देख लीजिए जो बोनस शेयर ये दे रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक्स बोनस डेट 22 जुलाई, यहाँ पर थोड़ा कट गया होगा जो रिकॉर्डिंग में है। बोनस का इश्यू जो है 3:4 का है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कट गया स्क्रीन रिकॉर्ड करने में। तो यहाँ पर आपको मनी कंट्रोल पे आकर के देख लेना है, या आगे हम दिखा देंगे आपको, आगे हम वीडियो के लास्ट में इसको दिखा देंगे, ये कट रहा है थोड़ा सा। दूसरी जो कंपनी है वो है वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड, ये थोड़ा सा महंगा शेयर है, 143 रुपये का है, और ये भी आपको बोनस शेयर देने जा रही है। और ये जो शेयर है, मतलब ये जो कंपनी है 1:1 के रेशियो में आपको बोनस शेयर दे रही है, मतलब 1 पर 1 शेयर फ्री। तो इसका जो एक्स बोनस डेट है वो 29 जुलाई है, तो पहले वाला 23 जुलाई था उसका एक्स बोनस डेट, इसका है 29 जुलाई, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ये भी 1:1 का बोनस दे रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन है। ये भी कंपनी आप देखते हैं जो इस कंपनी का रिटर्न देखिए तो काफ़ी बेहतरीन है। ये 2019 में ही लिस्ट हुआ है और अभी तक में देख सकते हैं अपने इन्वेस्टर को 122% का रिटर्न दे चुका है। तो ये छोटी छोटी कंपनियां हैं लेकिन रिटर्न काफ़ी बेहतरीन दिया है। ये भी देख सकते हैं 2018 में लिस्ट हुआ है और अभी तक में ये 47% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो दोनों कंपनियाँ बेहतरीन है, बहुत ही बहुत माइक्रो चिप कंपनियाँ हैं, मतलब स्मॉल कैप भी नहीं कह सकते, इसको माइक्रो कैप कंपनी कहते हैं, बहुत ही छोटी कंपनी, माइक्रो कैप में भी बहुत छोटी कंपनी है ये, माइक्रो कैप में भी बहुत छोटी। उसके बाद जो हमारा अगली कंपनी है वो है जॉन जुआ ओवरसीज लिमिटेड। प्रोनेशन में दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यह नाम पढ़ सकते हैं। ये भी कंपनी अगर मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखते हैं तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 2019 में ही लिस्ट हुआ है और अभी तक भी देख लीजिए इन्वेस्टर को 400% का रिटर्न। और ये कंपनी का चार्ट भी काफ़ी बेहतरीन देख सकते हैं, इसका बैलेंस शीट आपको दिखाएंगे वो भी बेहतरीन है। और दो कंपनियाँ जो उसके बैलेंस शीट में थोड़ा डाउट है, दिक्कत है, और कंपनी का सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ भी मनी कंट्रोल पर उपलब्ध नहीं है, तो छोटी कंपनियों में यही दिक्कत है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो भी आपको काफ़ी एकत्रित करना पड़ेगा, काफ़ी खोजना पड़ेगा। तो इसके सारे ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। तो पहले बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं और वहीं पर हम डिस्कस करते चलेंगे इन कंपनियों में आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस में नहीं। इसका बोनस का जो रेशियो है वो बता दें आपको 1:43, मतलब 43 शेयर आपके पास है तब 1 शेयर मिलेगा। ये 2019 में भी बोनस दिया था, मतलब लगातार हर साल दे रहा है ये, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनियाँ हैं जो कि लगातार बोनस दे रहा है इन्वेस्टर के लिए। साथ साथ इसमें देखते हैं इसका चार्ट भी काफ़ी बेहतरीन है, चार्ट भी काफ़ी बेहतरीन, तो दोनों मतलब प्रोस्पेक्टिव से ग्रोथ भी है इसमें, साथ साथ बोनस भी दे रहा है लगातार। तो ऐसे बेहतरीन कंपनियां हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं, तो आगे हम इसके टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो बोनस का रेशियो है 3:4, ये जो कि मैंने पहले कहा था, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कट रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया रिकॉर्डिंग को पीछे, तो अब ये रिकॉर्ड हो रहा होगा अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं, सारी जो चीज़ें हैं आपको देख लेनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो देखते हैं, तो प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी बेहतरीन है, वैल्यूएशन भी कंपनी का आप देख सकते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर दे लीजिए मात्र 26 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मतलब इस माइक्रो कैप जो है उसमें भी काफ़ी छोटी कंपनी है। तो ये आपने देख लिया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल में जाएंगे नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट इसका यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर देख लीजिए रिजर्व 6 करोड़ का है कंपनी के पास, लेकिन डेप्ट भी उतना ही है,
5.57 करोड़। तो देख लिया आपने कंपनी जो है ये आपको जो एड शॉप प्रमोटर्स कहिए या एड शॉप सॉल्यूशन कहिए इसके पास या एड शॉप रिटेल कहिए तो इसके पास जो है डेप्ट भी उतना ही है जितना रिजर्व है, साथ साथ कैश और बैंक बैलेंस देख यहाँ देख लीजिए मात्र 26 लाख का कैश और बैंक बैलेंस है। बुक वैल्यू कंपनी का बेहतरीन हुआ है, देख सकते हैं 2018 में कंपनी की बुक वैल्यू और भी ज़्यादा था, 19 में कम हुआ, 20 में फिर से काफ़ी इंक्रीज हुआ। तो ये सारे आपको यहाँ जो रेशियोज है उसको जा करके आपको देखनी चाहिए। उसके बाद जो अगला कंपनी था आपका, अगला जो कंपनी था वाइट ऑर्गेनिक रिटेल। तो जो रिटेल कंपनियां हैं आपको ध्यान रखना है कि रिलायंस रिटेल भी आ रहा है, तो उस सेक्टर की जो भी कंपनियां होगा तो फिर उसे बहुत ही नुकसान होने वाला है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन जो एड शॉप ई रिटेल है उसमें रिटेल लगा हुआ है, वो रिटेल कंपनी नहीं, वो रिटेल टूल्स प्रोवाइड करता है, तो बिजनेस को भी देखना है। जो एड शॉप रिटेल था वो बिजनेस टूल प्रोवाइड करता है रिटेल कंपनियों को, तो ये सारे डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वाइट ऑर्गेनिक रिटेल, इसका जो बोनस रेशियो 1:1 है, इसका 29 जुलाई है, जो यहाँ एक्स बोनस डेट नहीं लिखा हुआ है तो आपने देख लिया। उसके बाद बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं, इसका बैलेंस शीट देख लीजिए आप यहाँ पर, तो इसके बैलेंस शीट पर जो रिजर्व है कंपनी के पास वो कितना है और साथ साथ डेप्ट कितना है। तो यहाँ पर रिजर्व 17 करोड़ का है, डेप्ट कंपनी के पास 1.89 करोड़ का है, तो और डेप्ट काफ़ी कम हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो डेप्ट है आपको मार्च 2019 का ही है, अभी 2020 का अपडेटेड नहीं है, तो यही है छोटी कंपनियों का सारी चीज़ आपको जो अपडेट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में कंपनी के पास अगर एक साल में डेप्ट काफ़ी बढ़ गया हो, डेप्ट बर्डन काफ़ी बढ़ गया हो, तो फिर आपके लिए मतलब आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहीं कैश और बैंक बैलेंस जो कंपनी के पास वह है 3.80 करोड़ का, तो ये भी देख लेना है। मतलब छोटी छोटी कंपनी को हर चीज़ बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। बुक वैल्यू देखते हैं 18 में 4000 करोड़ से भी ज़्यादा था, 2019 में 68 हो गया, 2020 का उपलब्ध भी नहीं है, तो यही है छोटी कंपनियों का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। और इसका वैल्यूएशन देखिएगा, तो वैल्यूएशन देख लेते हैं मार्केट कैप कंपनी कितनी है, मार्केट कैप देखते हैं मात्र 77 करोड़ का है, तो बहुत ही जो माइक्रो कैप है उसमें भी काफ़ी छोटी कंपनी है। उसके बाद अगला है जो था हमारा तीसरा जॉन जुआ ओवरसीज लिमिटेड, तो इसका जो एक्स डिविडेंड डेट है देखते हैं जुलाई 30 है, और पिछले साल भी ये दिया था 2019 में भी अक्टूबर में बोनस, तो ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है जो बीच बीच में बोनस अपने इन्वेस्टर को दे रही है, डिविडेंड दिया है नहीं, डिविडेंड नहीं दी है कंपनी। बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं, वैल्यूएशन सबसे पहले देख लीजिए इस कंपनी का वैल्यूएशन, ये भी देख सकते हैं माइक्रो कैप है, बहुत छोटी माइक्रो कैप, 25 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। और इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं, रिजर्व है कंपनी का देख सकते हैं 3.84 करोड़ रिजर्व है, और जो इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है वो 5000 का है, तो ये कंपनियां डेप्ट फ्री है। ये तो जहां 3.84 करोड़ का रिजर्व है, 5000 वहाँ पर जो है कोई मतलब 5000 कोई डेप्ट नहीं होता है, मतलब ये लाख नहीं है, लाख यहाँ रहता तब ना, ये 0.05 लाख, इसको 100 से गुना कीजिएगा तो ये हज़ार में आ जाएगा आपका, 5000 का डेप्ट है, तो कुछ वो तो आप भी चुका देंगे, वो शेयर होल्डर को भी बोलेगा तो वो एक एक रुपया दे के ख़त्म डेप्ट। कैश बैंक बैलेंस 83 लाख का है, तो कैश और बैंक बैलेंस ठीक ठाक है। उसके बाद बुक वैल्यू देखते हैं, इस कंपनियों में सारी चीज़ ठीक ठाक है, देखें खूब बुक वैल्यू इस साल बिल्डअप हुआ है पिछले साल से, मतलब बुक वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो साथ साथ ऐसे कंपनी के पास एसर्ट होना बहुत ज़रूरी है अपना। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्ट करने का, तो कभी भी बोनस शेयर जब आ जाता है तब आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोनस रेशियो होगा उसी रेशियो में प्राइस कम हो जाएगा, तो उस आपको कोई फ़ायदा नहीं है, शेयर नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा लेकिन आपका अमाउंट पर जो रिटर्न है वो थोड़ी बढ़ जाएगा, आपका जो अमाउंट ऑफ रिटर्न है नहीं बढ़ेगा। तो जब बोनस के बाद शेयर का प्राइस गिरेगा, शेयर का प्राइस जो है स्प्लिट होगा, मतलब शेयर का प्राइस उसी रेशियो में कम किया जाएगा, तो गिरावट आएगी तब आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी शेयर में बोनस का जो न्यूज़ है उसके कारण इसमें थोड़ा सा आगे के मोमेंटम मतलब इसमें तेज़ी देखने मिलेगा प्राइस में, तो अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अब बात करें हमारे इन्वेस्टमेंट का, हम इन सब कंपनियों में इन्वेस्टेड नहीं है, हम उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बिजनेस को जानते हैं। अब या तो हम उसके जैसे रिलायंस ग्रुप है, तो रिलायंस ग्रुप है तो उसके किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाटा ग्रुप है उसके किसी कंपनी में कर सकते हैं, ऐसी कंपनियों में जब तक हम पर्सनली इसको नहीं जानेंगे, जब तक इसके बिजनेस को हम नहीं जानते हैं, तब तक हम इसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
तो नए लोग जो है वो गलती करते हैं, नए में हमने भी गलती किया था, हमने भी कई सारे पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया था जिसमें था सनवरिया कंज्यूमर, उसके बाद एक और कंपनी था बेकरांगी, इन कंपनियों में हमने भी न्यूज़ देख करके इन्वेस्ट कर दिया था जबकि इन कंपनियों के बिजनेस को हम अच्छे तरह से नहीं जानते थे। तो हम जो कंपनियों के बिजनेस जानते हैं आपको वही बताते रहते हैं वीडियो में, जैसे रिलैक्सो फुटवेयर, इसको बिजनेस को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लाल पैथ लेब, उसी तरह से इन्फोसिस, रिलायंस, तो इस तरह के जो HUL है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, इन सब कंपनियों के बिजनेस को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी तरह के कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करनी है और इस तरह की छोटी कंपनियों में जब आप इसको थोड़ा सा जानेंगे तब इसमें छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करनी है। अगर आप फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मतलब सारी चीज़ मतलब जाननी पड़ती है, जैसे ये कंपनी अच्छी लगी आपको क्योंकि इसमें तीन कंपनियों से हमें ये कंपनी अच्छी लगी क्योंकि कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी माइक्रो कंपनी है, माइक्रो कैप में भी बहुत छोटी कंपनी है, साथ साथ इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं थोड़े थोड़े अच्छे हैं। तो जब इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो इसके सारे पैरामीटर्स जो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो है, कितना रिटर्न दिया है अपने मतलब इक्विटी पर, कितना रिटर्न दिया है एसेट पर, सारे चीज़ को देखें, कितना रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो सारी चीज़ जानने के बाद इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो यही सारी चीज़ें आपको जानना है तब इन्वेस्ट करना है। तो हम इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तो वैसे आपकी इच्छा, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें बोनस के बाद करेक्शन आने दें तब इन्वेस्ट करें क्योंकि यह कंपनी हमें काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये बोनस भी लगातार दे रही है। उसके बाद कंपनी के बिजनेस को सीख लीजिएगा, जान लीजिएगा। तो यहाँ पर बिजनेस में मिसलेनियस लिखा हुआ है, तो कौन कौन से बिजनेस है कंपनी का, ज़रूर आप इसको सर्च कर लें, अच्छी तरह से इसका एनालिसिस कर लें। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।